अब भैया जब ये ट्रेन आया ना, इसमें इतना भीड़ था कि देखेगा जो है हमारे गनिया फट गया। अभी हम जा रहे हैं पटना मोदी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम जरूर बोलेंगे कि 6-7 को जनरल का डिब्बा जरूर लगवाया कीजिए ट्रेन में। चचा जो है सो गेट को गमछिए से बांध दिए हैं कि गलती से अगर नींद भी आ गया तो नीचे नहीं गिरेंगे। की हो भाई साहब, की हाल चाल छे? ठीक छे, उम्मीद करे छे तोयर बढ़िया होबो, जबरदस्त होबो भाई, एकदम फिट तंदुरुस्त होबो। अभी जे छे से तोयर सोचे होबो कि बरगा एते रात के कहाँ चल देलके, तभी जे छे से जा रहलियो पटना, बुझलो भाई, एकदम जे छे से पूरा इस सफर के एकदम चौचक वीडियो तोरा के बीच में लेबे। तो तोरा आर सबसे एगो उम्मीद कर सकै छिए कि तोरी वीडियो पूरा देखबो। अक्सर हाँ तोरी की करे छौ कि बीच में वीडियो छोड़ चल जाए छौ, ई बार ऐसा नहीं करे छे, ई वीडियो के जे छे से पूरा देखे छे आ शेयर भी करे छे, बुझलो। तभी देख लो हमें जे छियो कहाँ पर, न्यू बरौनी जंक्शन देख सकै छौ, यहाँ पर छिए, पीछे भी देख सकै छौ, यहाँ देख लो, ठीक छे। तो तोरा जे छे से अभी पूरा स्टेशन खाली देखे होते, ठीक। तो अभी जे छे से यहाँ पर अकेला हम घूमि रहलिए हन, बुझलो। आ यहाँ पर की छिकै ना कि अगल बगल में बहुत सारा कुत्ता घूमि रहले हन, लेकिन हम अकेला यहाँ पर एगो आदमी घूमि रहलिए हन, बुझलो। तो बहुत तरह छे ई सफर का आनंद लेते रहियो तोहर। चलो तोरा जे छे से पूरा बरौनी से लेकर पटना तक के सफर के चौचक वीडियो देखाबै छी। देखो भाई, सब जे छथिन से एकदम घोड़ा बेच के सुतल छथिन। ए चचा, ओढ़ना ओढ़ ले हो, बेगूसराय अभी जे छे से डेंगूसराय बनल छे। ए रे भाई, ए रे, कोई सुनै वाला नहीं छे, देख लो मच्छर काट रहले ना, देह हसोइत रहलकै, बुझलो भाई। ए भाग भाग भाग, ट्रेन एलो भाई, टिकट लेना बहुत जरूरी छे, बुझलो, नहीं तो समोसो बेचे वाला आबै छे ने तो लगतो कि से टीटीए आइ गेलै भाई। हो अपन इंतजार के घड़ी जे छे लगातार लंबा होल जा रहले, बुझलो न, बरगा ई ट्रेन जे छे से हरदम आधा घंटा लेटे होल जा रहले। पहिने देखलकै घर जब चले रहिए तो 12 बजे पहुँच जाएगी, आप बता रहले हन 1 बजे में आएगी, पहुँचेतै न हो पटना, आँ जब हम पटना जाए घर से निकलै छिए बरगाई कोनो बहाना ट्रेन लेटे भेज जाए छे, बुझलो, बरगाई पते नहीं चले छे। आ गेलै की ट्रेन, आँ हमरे ट्रेन छे, अरे बरगाई हमर तभी साहेबपुर कमाले में छे। भैया हम सोचे थे क्या कि जाएंगे तो स्टेशन पर बैठेंगे सोएंगे भी, अब देखिए भैया सब जो है सो पहले से जगह लूट के सोया हुआ है, हैं बताइए। आई देखिए ये भैया जो है सो पीछे में जो ट्रेन लगाए ना उस पर सोए हुए ही चलाए बेगूसराय, बताइए इनको उतरना था खगड़िया ही, आई बेगूसराय से आगे बढ़ गई चलाए बरौनी। अब बताइए हमसे पूछ रहे थे कि भैया कोनो ट्रेन है खगड़िया के लिए, हम बोले कि 2 बजे तक बैठिए तब आएगा, उतना देर इंतजार करवाया तब जाके देखिए मेरा ट्रेन आ गया, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। अब भैया जब ये ट्रेन आया ना, इसमें इतना भीड़ था कि देखेगा जो है हमारे गनिया फट गया, देख लीजिए। जनरल डब्बा का ऐसा हाल है ना भैया कि लगता है क्या कि आदमी को ना जानवर के तरह जो है सो बोगी में भर दिया जाता है, देख लीजिए भैया अब कैसे इसमें घुसेंगे हम। आँ अभी हम जा रहे हैं पटना मोदी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम जरूर बोलेंगे कि 6-7 को जनरल का डिब्बा जरूर लगवाया कीजिए ट्रेन में, समझे। देखिए भैया किसी तरीके से हम भी घुस गए हैं, जगह तो नहीं मिला बैठने का, लेकिन गेट के पास खड़ा होने का थोड़ा सा जगह मिल गया है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं काहे कि पटना जा रहे हैं। ये देखिए भैया चचा जो है सो गेट को गमछिए से बांध दिए हैं कि गलती से अगर नींद भी आ गया तो नीचे नहीं गिरेंगे। भैया दिमाग तो है भैया चचा के पास। बताइए गुरु, वो जो देवी जी थी जो बोल रही थी उनको समझाना जो है सो बहुत मुश्किल था, समझे, हम भी थोड़ा समझाए लेकिन हम पे ही बरस पड़ी। तो हम सोचे क्या से भैया इसमें अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है सामने ही देखा जाए, लीजिए भैया। अरे भैया जो पहले अंदर में है उसको उतरने तो दीजिए, हो उतरने वाले उतरे नहीं कि चढ़ने वाले पहले तैयार है। तो भैया अभी जो है सो हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन, ठीक है भैया, चलिए। सुबह के अभी बज रहे हैं 4:30 और भैया अभी जो है सो क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं चाय पीते हैं, ठीक है। देखिए ट्रेन पकड़ने के लिए कितना भाग दौड़ मचा हुआ है। भैया ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो चलचित्र चला था,
आहा, क्या आनंद रहा होगा उस समय। अभी हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ चलेगा, लेकिन ये डिस्प्ले जो है सो बहुत देर से खराब पड़ा हुआ है। भाई पटना जंक्शन तो पहुँच गलियो बुझलो, रास्ता में इतना कष्ट होलो न भाई, हालत खराब भै गलो, नींद भर रात पुराने भेलो, अभी साढ़े 4 बज रहा हन, नींद देखो कितना लग रहा है, आँखि हम जो है से एकदम मन करे कहीं बिछौना एकदम बिछा एक मतलब बेग मथा तरन दे के जहाँ पर देखो जहाँ सामने सुतल छथिन जाके सुत रहिए, लेकिन बरगाही कहीं सुतिया बेग तेग लैके कोई पार भै गए तो लेनी के देनी पड़ जेतें बुझलो, तो चलते सुते उतर के नहीं है। आब एक दू घंटा बाद सवेरा भै जेते, अभी 4:30 बज रहा हन, तो 5:30-6 बजे में निकल जाए छे जे काम चलते एलियन पटना। भैया जब हम बैठे थे ना तो देखे क्या कि पीछे से उजला कलर का कोनो ट्रेन जा रहा है। अब देखे तो भैया ये अपना वंदे भारत ट्रेन था, अब इसमें बैठने का तो पैसा नहीं था अपने पास, तो सोचे क्या कि बाहर से जो है सो इसका कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वंदे भारत में सीट कैसा है, अंदर में कैसे बैठने का माहौल बनता है, और LED स्क्रीन पर ही ट्रेन का नाम लिखाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। भाई पटना जंक्शन का वह प्लेटफॉर्म पर हम खड़ा छे जहाँ TV LED स्क्रीन पर चलचित्र चल रही बुझलो, आह की नज़ारा होते भाई बुझलो। अभी हम आए के तोरा चलचित्र वाला वो LED TV देख लिए, लेकिन वह अभी कुछ नहीं चल रहा है, पूरा एकदम ब्लैंक सादा पड़ल छे, लेकिन जहिया चले होते मजा आ गया होते भाई, मजा आ गया होते कि चलो भाई ठीक छे, गुड नाइट, तुम तो सुतवा मौज करो, हम तो बरगैया भरि राति ढिंढोरा खेलते रहिए। ये कौन गाड़ी लगल छे? हम सफर एक्सप्रेस, बाप रे बाप, हमर हम सफर कहिया अते भाई पता नहीं। चलो भाई जे दिना हम सफर अते वह दिना जे छे से हम सफर के मजा लेल जेते, मतलब हम सफर गाड़ी के मजा लेल जेते दोनों गोटा साथ में घूमबे। उम्मीद करे छे तोरा सबकी वीडियो बढ़िया लगल होते, जबरदस्त लगल होते, तो ट्रेन में जे छे से जनरल डिब्बा में देखेबे कलियो चाची और कितना एकदम मार करे रहथिन के। अगर बढ़िया लगल हैं तो वीडियो का लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो, ठीक छे। अगर तुम यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हो तो चैनल के सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर देख रहा हन तो भैया हमारे पेज का फॉलो जरूर करिए, ठीक छे, धन्यवाद।